हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हमारे चैप्टर का। जो कौन सा है, जो एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है वो है वेजिटेशन वाला। अब वेजिटेशन के बाद में जो अगली चीज है वो है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ किस किस प्रकार की है। नेचुरल वेजिटेशन हो गया, अब वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा कि इंडिया में कहां कौन सा किस प्रकार की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, क्या क्या है इंडिया में। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। जिस तरह से हमारा फ्लोरा फैला हुआ है, ठीक है, पेड़ पौधे इतने सारी वैरायटी के हमने पढ़ा अभी, तो उसी तरह से हमारे फौना भी बहुत सारे हैं। मतलब तरह तरह की वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, देखने को मिलती है कहां पे, इंडिया में। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी दूंगा और यहां पे। ठीक है, तो अब इंडिया में तरह तरह की जब वाइल्ड लाइफ पाई जाती है तो उसमें एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो 90,000 एनिमल स्पीशीज है, 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, और ये सब कुछ मिलके इट कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। तो वर्ल्ड की 13% टोटल वाइल्ड लाइफ जो है एनिमल्स और बर्ड्स के टर्म्स में, तो वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश, ठीक है, मछलियां इतनी प्रकार की होती है, नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। तो वर्ल्ड में जितनी मछलियां उसका 12% स्टॉक कहां है? इंडिया में है। फिर 5-8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। एम्फीबियंस कौन होते हैं? तो जो पानी में भी रह लेते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, मेंढक हो गया। रेप्टाइल्स रेंगने वाले, जैसे रेंगने वाले में क्या कह सकते हो आप, रेंगने वाले में जैसे छिपकली हो गई, ठीक है, तो लिजर्ड वगैरह ये रेप्टाइल्स हो गए। स्नेक हो गया एक रेप्टाइल। फिर मैमल्स, तो मैमल्स मतलब जो अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं जिनके, तो वो क्या हो गए, वो मैमल्स हो गए। तो ये सारे जानवर जो हैं, ये सारे जानवर कौन होते हैं, ये सारे जानवर जो हैं, तो ये इंडिया के फोना को कंस्टिट्यूट करते हैं, इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसे कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें इस चीज का कि कहां कहां कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आप देखते हो, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि फिजिकल फीचर्स हमारी कंट्री में कितने वैरी करते हैं, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन एरियाज भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी वैरी करेगी। ठीक है, अलग अलग फिजिकल फीचर में ऐसा थोड़ी ना कि कैमल हर जगह रह लेगा, आप माउंटेन पे छोड़कर जाओ हिमालयस पे तो आप देखो हिमालयस पे चढ़ रहा है कैमल, तो ऐसा नहीं है ना। तो डाइवर्स फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंगली हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत डाइवर्स है। तो जैसे एलिफेंट्स इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम कर्नाटक एंड केरला, तो असम कर्नाटक केरला वहां पे एलिफेंट पाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां हॉट वेट फॉरेस्ट है विच आर सुटेबल फॉर एलिफेंट्स। फिर अगली चीज, वन हॉर्न राइनोसोरस इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, तो जहां पानी होता है नदी के किनारे जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के आजू बाजू, तो वहां पे जो गीली सी जमीन होती है और पानी पानी होता सब कुछ असम के आजू बाजू, असम वेस्ट बंगाल, तो वहां पे वन हॉर्न राइनोसोरस एंड इट इज वेरी वेरी मच एंडेमिक टू इंडिया ओनली, तो इंडिया के एंडेमिक स्पीशीज में आ जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, और जानवर अगर देखें तो वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट, तो जैसे ऊंट होता है, ऊंट तो देखे आपने, वाइल्ड एस ये अभी इसकी फोटो फिर दिखाई दी, ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जानवर पाए जाते कहां पे, थार डेजर्ट के आसपास। क्यों? क्योंकि ये वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां की जियोग्राफी के हिसाब से क्या है, अडेप्टेबल है। ठीक, फिर और कौन कौन से, तो इंडियन बायसन, नील गाय, चौसिंगा, उसके बाद में गैजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर एंड मंकी आर फाउंड इन इंडिया, तो जैसे इंडियन बायसन ये होता है, इंडियन बायसन, ठीक है, फिर उसके बाद में नील गाय, तो ये नील गाय जो होता है, ब्लू बुल भी जिसे कहा जाता है, नील गाय पाया जाता है कहां पे, इंडिया में ही। वाइल्डेस दिखा दिया आपको, चौसिंगा ये बच्चा है चौसिंगा का, इसके चार सिंह दिख नहीं रहे उतने बड़े, चार सिंह होते हैं लेकिन इसके, ठीक है, फिर उसके बाद में ये गैजल, तो गैजल ये सब ये डियर की क्या है, अलग अलग कह सकते हैं स्पीशीज है। ठीक है, फिर उसके बाद में मंकी, तो मंकी तो हमारा कितने सारे रहते हैं, ये कुछ कॉमन से हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, लाल मुका बंदर और काले मुका बंदर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है इंडिया में। व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड इन इंडिया, ये भी एक अच्छी चीज है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे शेर भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाया जाता है। ठीक है, हिंदी में अलग अलग चीजें,
ये एशियाटिक लायन ऑफ गिर नेशनल पार्क, तो ये शेर होता है और ये बाघ होता है जिसे हम टाइगर कहते हैं। तो दोनों चीजें इंडिया में पाई जाती है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर हमने आपको बताया कहां पे, वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा के वहां। अब गुजरात में एशियाटिक लायन पाया जाता है, ठीक है। एंड गिर नेशनल पार्क इज दी ओनली होम फॉर एशियाटिक लायन इन एशिया, ठीक है। तो एशियाटिक लायन सिर्फ कहां, गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से ये पूरी कहानी किसकी हो गई, उस तरह से पूरी कहानी शेर चीता की हो गई है। हाँ, एक और चीज, तो चीता भी एक समय पे इंडिया में पाया जाता था। आप बोलोगे ये है तो सही, ये चीता नहीं है, ये लेपर्ड है, ठीक है। लेपर्ड और चीते में दोनों में फर्क होता है, ये तेंदुआ है हिंदी में जिसे कहा जाता है, तो लेपर्ड। तो लेपर्ड आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। चीता 1962 के पहले पाया जाता था, अब एक्सटिंक्ट हो गया है चीता, अब नहीं पाया जाता है। पहले इंडिया में चीता भी होता था, ठीक है, मतलब अब नेचुरली यहां नहीं पाया जाता, दूसरे देशों से लाए हो आप पकड़ के। जैसे जू वगैरह में देखोगे बोत्सवानिया से चीते लाए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो वो बात अलग है, बाकी नेचुरली अब नहीं पाया जाता है चीता हमारे देश में, पहले पाया जाता था, ठीक। अब फौना इन हिमालयस, तो ये तो हमने क्या मेनलैंड का देख लिया, डेजर्ट का देख लिया, स्वाम्पी एरियाज का देख लिया, हॉट वेट फॉरेस्ट का देख लिया। हिमालयस में किस तरह का वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, तो हिमालयस की अगर बात करें तो याक, शेगी हॉर्न, वाइल्ड ऑक्स, ठीक है, उसके बाद में दी तिब्बतन एंटीलॉप, दी बराल ब्लू शिप जिसे कहा जाता है, एंड दी क्यांग, क्यांग मतलब दी वाइल्ड तिब्बतन वाइल्ड एस, फिर आ गया वाइल्ड एस, ठीक है। उसके बाद में अलॉन्ग विद दी आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ हिमालयन रेंजेस। तो पहाड़ वाले इलाकों में, ये पहाड़ में जो सूटेबल रहते हैं, जो रह सकते हैं, वो जानवर पाए जाते हैं, जैसे ये याक हो गया, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि हिली एरिया जो रहते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है याक, ठीक है। जो फीमेल याक रहता है उसे डजो कहा जाता है, तो मिल्क मिल्चिंग एनिमल की तरह यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद में क्या है, शेगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, तो शेगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, ठीक, ये हो गया। अब ये क्योंकि देखो आप फर देखो तो कितना फरी है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्स होते हैं, तो वहां पे क्या है, ये सर्वाइव कर पाएगा, तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा वही जानवर वहां रहेगा, ठीक है। तिब्बतन एंटीलोप, तो तिब्बत में ये इस तरह के जो तिब्बतन एंटीलोप होते हैं ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में दी भराल, इसे माउंटेन गोट भी कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ जाती है बकरी, ऐसी बकरी है, तो दी भराल। फिर उसके बाद में क्या है, दी क्यांग, तो क्यांग वाइल्ड ऐसे ये जो। फिर उसके बाद में अगली चीज आईबेक्स, तो आईबेक्स देखो ये उसकी तरह ही होता है एंटीलोप की तरह, इसके सिंह पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, तो ये आईबेक्स हो गया। फिर बियर, बियर तो सभी ने देखा होगा, तो बियर भी हिमालयाज में जैसे स्नो बियर वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, ये तो पानी वाला आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में स्नो लेपर्ड, अब अभी जो लेपर्ड हमने देखा था, तो लेपर्ड में भी तरह तरह के वेरिएशन होते हैं, जैसे अब ये क्या है, ये वाला जो लेपर्ड है देखो इसकी फर उतनी ज्यादा नहीं है, उसके बाद में क्या है, इसका थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रक्चर भी क्या है अलग है, किसके कंपैरिजन में, स्नो लेपर्ड के। तो दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके जैसे आप देखोगे तो बहुत फरी है, ठीक है, फर्स है इसके ज्यादा, ताकि वो सरवाइव कर पाए उस क्लाइमेटिक कंडीशन में। रेयर रेड पांडा, क्यूट सा, ठीक है, तो ये रेयर रेड पांडा भी कहां पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। तो इस सेंस में हिमालयाज वाले जो एरियाज हैं, तो वहां पे ये वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने टेरिस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ देखी, ठीक है, जमीन पे जो है वो सारी चीजें देख ली। अब फौनाइन रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, अब हमने देखा कि इतनी बड़ी कोस्टल एरिया है हमारे पास, इतनी सारी नदियां हैं, लेक्स हैं, तो वहां पे क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, तो टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स आर फाउंड इन इंडिया। ये सारे जानवर पाए जाते हैं कहां पे, ये सारे जानवर पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, टर्टल, क्रोकोडाइल, उसके बाद में घड़ियाल्स। फिर बर्ड्स लाइफ फाउंड इन इंडिया, तो बर्ड जो है, तो बर्ड कौन कौन, जैसे पीजेंट्स, फिर उसके बाद में क्या, पैराकेट्स, तो ये रंग बिरंगे जो छोटे छोटे से पक्षी होते हैं, क्रेन, ये सारी चीजें भी पाई जाती, पिगन आर बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। तो अगर हम देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरह से अगर देखो तो आप सभी चीजें, एक्वेटिक लाइफ भी है, ठीक है, बर्ड्स भी है, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स भी है, तो फौना भी क्या है, कंप्लीट वैरायटी ऑफ फौना या फिर कंप्लीट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन इंडिया। तो तरह तरह के क्या होते हैं, तरह तरह के जानवर इंडिया में पाए जाते हैं। तो वेजिटेशन भी हो गया, वाइल्ड लाइफ भी हो गया, वाइल्ड लाइफ में सिर्फ इतना है, कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब हमें समझना इंपॉर्टेंस क्या है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उन्हें खतरा है। तो अब ये एक एक चीज को आप क्योंकि क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक्स अब स्टार्ट होंगे हमारे, तीन क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक हम तीन वीडियो लेक्चर्स में अब क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स प्लस कोर्स से जुड़ी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज डू वॉच दैट। थैंक यू वेरी मच।